So today is electrostatics. Today is electrostatics. Lecture 13. Topic is self potential energy. So electrostat का more or less ये last topic है. ये पहले भी करा सकते थे पोटेंशियल एनर्जी के बीच में. कहां पे करा सकते थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बीच में करा सकते थे, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी. हाँ या ना? सो व्हाट इज सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी? व्हाट इज सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी? अगर किसी बॉडी को देखा जाए, अगर किसी बॉडी को देखा जाए, चार्ज बॉडी को, तो क्या मैं ये कह सकता हूं अ चार्ज बॉडी इज बेसिकली मेड अप ऑफ इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट चार्जेस? डू यू एग्री विद दैट? यस सर. So if there is a charged body, can I say this is made up of infinitely many point charges? हाँ या ना? तो अगर मैं infinity से पहला charge लाऊं, अब दूसरा लाऊंगा तो उसमें work done लगेगा नहीं लगेगा? यहाँ का potential minus infinity का potential into dq. अब तीसरा लाऊंगा तो उसमें और work done लगेगा, क्योंकि इस point का potential due to these two minus potential at infinity into this charge. You are getting my point. There is some work done in assembling the system. That amount of work done gets stored in the electrostatic potential energy of the system. Bolo haan. Nahi samajh mein aaya to main phir se repeat karunga. What is self potential energy? Ki ek body ko point mass nahi keh raha, main keh raha hu body ko assemble karne mein assemble करने में work लगेगा. वो work store हो जाएगा in form of potential energy of system. Got it or not? And that energy is called self potential energy of the system. Got it? अब technically तो ये किसी भी body के लिए क्या बोलते हैं valid होगा कि हर एक body के there will be some self potential energy. Got it or not? हर एक case में निकालना ये possible है नहीं आसानी से. आसानी से निकलेगा नहीं तुमसे. As far as I know, there are only two cases जहां पर ये आराम से calculate हो जाता है. समझ में आई बात? किस किस दो केसेस में कैलकुलेट हो जाता है बता रहा हूं मैं. एक केस है अगर कोई कहे हॉलो शेल है. क्या है बेटा? कैसा शेल है ये? हॉलो शेल है जिस पे चार्ज क्यू है. अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो. कौन से वाला डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस पे चार्ज का? इस पे चार्ज का कौन से वाला डिस्ट्रीब्यूशन होगा? एरियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा. बोलो हाँ. यस सर. गॉट इट? इसके ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला आया है. डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन क्या आया है इसके अंदर याद कर लेते हैं. पहले तो याद कर लेते हैं. मेरा पढ़ाने का स्टाइल ना ओवर द इयर्स इट हैज बिकम नॉट गुड. आई विल नॉट से इट गुड. पहले ये होता था मैं रिजल्ट यूज्ड टू बी लास्ट थिंग आई टीच. भाई कैसे किया, ऐसे भी किया. अब रिजल्ट ओरिएंटेड आ गया कि भैया देखो मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, बच्चों को आता है नहीं आता है, मेरे यहां से रिजल्ट निकलना चाहिए. बोलो हाँ. समझे कि नहीं समझे? किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है कि मेरे को रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए? तो रिजल्ट तो ये कहता है पहले रिजल्ट ही रट लो बाहर में जाए. के क्यू स्क्वेयर बाय 2R क्या होता है? के क्यू स्क्वेयर बाय 2R. वैसे डायमेंशनली ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन ऐसा होता था K Q1 Q2 बाय R. हाँ या ना? पॉइंट चार्जेस के लिए यहाँ पे Q1 होता था, यहाँ पे Q2 होता था. याद आ रहा है? R से डिस्टेंस पे होता था. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी? K Q1 Q2 बाय R. हाँ या ना? अरे बोलो ना. हाँ सर. यस गॉट इट. यस. डायमेंशन ऐसा ही होना चाहिए K Q Q अपॉन डिस्टेंस. बोलो हाँ. समझे कि नहीं समझे?
तो के क्यू स्क्वायर बाय टू आर, तुम कह रहे हो कि सर ये फॉर्मूला रटना है। हाँ ये फॉर्मूला भी रटना है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था। कैसे? उन्होंने क्या कहा, अ हॉलो बॉल इज गिवन चार्ज क्यू। अब हॉलो बॉल इज गिवन चार्ज क्यू, रेडियस ऑफ बॉल इज इतना, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ सिस्टम, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट वाज द मेन क्वेश्चन। समझे कि नहीं समझे? भाड़ में जाए डेरिवेशन, भाड़ में जाए कैसे निकाला है हमने, हमें तो रिजल्ट चाहिए पहले चीज तो, के क्यू क्यू स्क्वायर बाय टू आर। हालांकि इन्होंने ऐसे नहीं बोला था, हॉलो शेल करके नहीं बोला था, उन्होंने कैसे बोला था गाइस, उन्होंने कहा अ सॉलिड कंडक्टर, अ सॉलिड कंडक्टर ऑफ रेडियस आर इज गिवन चार्ज क्यू, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ सिस्टम। क्या मैं ये कह सकता हूं दिस सॉलिड कंडक्टर विल हैव एरियल डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज नो चार्ज इज इनसाइड द बल्क ऑफ कंडक्टर? बोलो हाँ, यस सर। तो आंसर क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर बाय टू आर ही होगा। गॉट इट? किस किस को मेरी बात समझ में आई है? यस सर। पक्का? यस सर। मतलब थोड़ा से मजे तो ये थे सॉलिड कंडक्टर, ये तो मैं इसलिए मैंने उस टाइम पे जब कराने बैठे था ना, पहले कराते ही मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार वो कंडक्टर वाली चीज बोलनी पड़ेगी मुझे, एरियल, फिर बच्चों को कंडक्टर आता नहीं है, उस टाइम तक कंडक्टर कराया नहीं था मैंने, तो मैंने कहा यार एनर्जी के साथ ना कराऊं, बढ़िया एंड में कराऊं तो बढ़िया रहेगा, वरना मैं कंडक्टर के बाद ये बोलना पड़ेगा कि यार देखो सॉलिड कंडक्टर है ना, उसकी एनर्जी के क्यू स्क्वायर बाय टू आर होती है, क्योंकि वो एरियल डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा। बोलो हाँ। तो मैंने कहा बाढ़ में जाए, कंडक्टर की भी बात करा देंगे, वेट कर लेते हैं। दैट्स व्हाई आई वेटेड फॉर, नाउ यू अंडरस्टैंड कितना पीछे दिमाग में चल रहा होता है, छोटी सी चीज, छोटी सी चीज के कारण मैंने उस टाइम पे नहीं कराया। हाँ या ना? मैं अपने अपने काम को एफिशिएंट कर रहा था। एवरीबॉडी, एक रिजल्ट तो ये हो गया, दूसरा रिजल्ट है रेडियस आर है और ये नॉन कंडक्टिंग है। कैसा है ये? नॉन कंडक्टिंग और नॉन, याद रखना दो क्वेश्चन कराने आज, एक सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा वो भी कराना है कैविटी क्वेश्चंस, मैं भूल जाऊं तो। नॉन कंडक्टिंग के ऊपर ही वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। बोलो हाँ, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज लाइक योर कूलम पर मीटर क्यूब। गॉट इट? नॉन कंडक्टिंग में ही पॉसिबल है ये चीज। इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज 3KQ² / 5R। रट्टा मार लिया, 3KQ² / 5R, 3KQ² / 5R। हाँ या ना? और अगर अर्थ है हमारी, अगर हमारी अर्थ है, अर्थ का रेडियस R है जिसका मास M है, अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? -3K, K की जगह लिख दो G m² / 5R। बोलो हाँ, क्योंकि अर्थ में तो वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा या नहीं होगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हॉलो बॉल होती, हॉलो बॉल होती उसकी क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती -gm² / 2R। भाई किस किस को बात समझ में आने लग रही है? आना मैं रिपीट करो भाई। यस सर। आ गया समझ में? हाँ, कोई तो यूट्यूब के ऊपर कमेंट मार रहा था कि सर आप बड़ी जल्दी जल्दी भागते हो, देखा था मैंने। अरे तो तुम बोला करो ना कि सर तेज भाग रहे हो आप, तुम तो लाइव हो। नहीं सर, ठीक है ठीक है। Got it? आगे बढ़े मित्रों, डिराइव कर लें। भाई ये क्या हो गया, ये क्या खुल गया भाई, क्यों खुल गया, व्हाट्सएप वेब खुल गया। नोटिफिकेशन बंद नहीं कर सकते क्या इसकी? ऑप्शन ही नहीं दे रहा रिकम्मा। गाइस, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हॉलो शेल निकालेंगे। क्या निकालेंगे बालक? हॉलो शेल निकालेंगे। भाई एक तरीका तो करने का ये होता था, अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस होते हैं,
तो हॉलो शेल को मान लिया सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। अब इसमें बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, 3D में बहुत सारे होंगे, और फिर क्या करना पड़ता था, Q1 का पेयर लेना पड़ता है बाकी सबके साथ। ऐसे तो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे को लग रहा है, Q1 का पेयर सबके साथ लूं, हाँ या ना? फिर Q2 लूंगा तो Q2 वाले को, Q1 वाला पेयर तो हो चुका, इसका फिर बाकी सबके साथ लूं, ये नहीं हो सकता, समझे? वो फॉर्मूला नहीं लग सकता। फिर Q3 ले लिया, बच्चे होते ना कर क्या रहे हैं, मैं तो याद भी नहीं आ रहा कुछ। भैया वही तो तुम लोगों की प्रॉब्लम है, थोड़ी देर में सब भूल जाते हो, हाँ या ना? अबे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस क्या होता था, समेशन ऑफ के क्यू आई क्यू जे अपॉन आर आई जे, आई गोज फ्रॉम 1 से एन एंड जे गोज फ्रॉम ग्रेटर देन आई से एन। मैंने कहा ऐसे ना कर पाओगे, इसे ऐसे नहीं कर पाओगे, तुम लिख ही नहीं पाओगे इस एक्सप्रेशन को। डिस्टेंस कौन लिखेगा भाई 3D में, आए ना? कैसे काटेंगे पेयर्स में? तो दूसरा तरीका क्या होता था करने का, किसी को याद आ रहा हो तो? असेंबल द सिस्टम। किसी को चमक भी रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अरे भाई याद करो ना यार, ये जो चार पॉइंट चार्ज थे जिनका एनर्जी लिख रहे थे, इसको लिखने का एक तरीका था पेयर काउंट कर करके, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और दूसरा तरीका क्या था, पहले Q1 लेकर आए, फिर Q2 को यहां पर लाए, तो यहां पर वर्क डन कितना हो जाएगा, Q2 इधर का पोटेंशियल V2 माइनस V इन्फिनिटी, इसे V2 बोल दिया, और फिर दो आ चुके, Q1 Q2 आ चुके, अब यहां पे लेके आएंगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल ड्यू टू 3 ऑल दिस 2। बोलो हाँ या ना, याद आया है या नहीं आया है? मैं दोबारा बोलूंगा नहीं, अगर क्योंकि कोई कह रहा है रीकैप करा दो तो मैं करा दूंगा। एनीबॉडी, ये सबको याद है? याद है सर। याद है पक्का? गुड, यस सर। अरे तो हम ये कह रहे थे बालक, हम ये कह रहे थे कि इसके अंदर असेंबल कैसे करें। एक सॉलिड कंडक्टर ले लो, बात तो वही है ना, हॉलो वाला ही केस बनेगा। सॉलिड कंडक्टर ले लो, मुझे बनाना क्या है, इस सॉलिड कंडक्टर पे रेडियस आर पे चार्ज कितना आ जाए सरफेस पे क्यू। बोलो हाँ, ये सिस्टम क्रिएट करना है। ये सिस्टम कैसे क्रिएट कर सकता हूं, पहले इनिशियली अनचार्ज मान लो, चलेगा? फिर कह दो DQ1 लेकर आया मैं इंफिनिटी से यहां तक, कितना वर्क डन लगेगा, यहां का पोटेंशियल भी जीरो, यहां का भी जीरो, तो 0 - 0 × DQ1। बोलो हाँ, अब DQ1 यहां पर लाके टपका दिया, तो क्या मैं कह सकता हूं ये DQ1 पूरे पे फैल जाएगा, पूरे सरफेस पे, हाँ या ना? अब DQ2 लेके आओ छोटा सा, तो यहां का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, KdQ1/R माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0 × DQ2। बोलो हाँ, अरे चमका या नहीं चमका? Yes. बहुत बहुत खतरनाक बच्चे हैं। प्लस DQ2/R माइनस इंफिनिटी का × DQ3, फिर हो जाएगा KdQ1 + DQ2 + DQ3/R माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी × DQ4। बोलो हाँ, गॉट इट? करते जाओ, ऐड करते जाओ, जब तक ये पूरी क्वांटिटी कैपिटल क्यू ना हो जाए, हाँ या ना? किस किस को ये पल्ले पड़ा है? Yes sir. Sure. There is a set way I think. Okay. I want you to learn the way I think. So, तुम्हारा total charge हो जाना चाहिए capital Q.
अब मैं कहूंगा एक काम करो, किसी इंस्टेंट पे ये जो बना है इसको कैसे लिख सकता हूं, ऐसे कह सकता हूं किसी इंस्टेंट पे मान लो स्मॉल क्यू आ चुका है और इंफिनिटी से डी क्यू लेकर आए, तो लाने में वर्क डन कितना लगेगा डी डब्ल्यू, वो हो जाएगा के क्यू बाय आर माइनस इंफिनिटी का इनटू डी क्यू। बोलो हाँ, दैट विल बी के क्यू इनटू डी क्यू बाय आर। किस किस को ये बात समझ में आई है? ये क्या किया मैंने, ये अज्यूम किया कि किसी टाइम पे स्मॉल क्यू आ चुका है और डी क्यू और लेके आया, तो वर्क डन लिख लिया छोटा सा। अब ऐसे ऐसे वर्क डन का ही तो समेशन करना है मुझे। इनिशियली क्यू की वैल्यू कितनी थी, जीरो, और फाइनल वैल्यू कितनी है इसकी, कैपिटल क्यू, जीरो से लेकर कैपिटल क्यू। क्या मैं कह सकता हूं ये बन गया के क्यू स्क्वायर बाय टू आर। Everybody got it? Done. हाँ या ना? Everybody? Yes, sir. तो क्या आ गया KQ square by 2R. KQ square by 2R. That is method one of solving this question. That is method one of solving this question. There is another method also, method two. ये लिख लिया या नहीं लिख लिया? अरे हाँ ना, मैं reply करते हैं यार। लिख लिया sir. Good. हमने कहा matter of fact, very important thing. मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब है डोंट आस्क मी, क्या डोंट आस्क मी फॉर एक्सप्लेनेशन, जस्ट अज्यूम इट, इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट फॉर यू गाइस। मैटर ऑफ फैक्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी होती है। वाओ, मतलब जैसे जैसे मास डेंसिटी नहीं होती है, मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम के अंदर मास पर यूनिट वॉल्यूम इज मास डेंसिटी। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी होती है, एंड एनर्जी डेंसिटी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय इनसाइड को या इन इलेक्ट्रिक फील्ड is given by half epsilon naught electric field के magnitude का square. ये बहुत important formula है, इसे 2 मिनट बैठ के हम समझेंगे और इसके ऊपर क्या कहते हैं उसे गहन अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बकवास करेंगे। Point is कि NCERT में ये formula काफी देर में आता है, ये उसमें आता है EM wave chapter में, कौन से में, electromagnetic wave chapter में, उस time पे मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं कहूंगा मैं पहले करा चुका हूं electrostatics में, got it or not? Matter of fact है, electric field के अंदर energy density होती है, हाँ या ना? Energy per unit volume, energy density का मतलब हो गया energy per unit volume is given by half epsilon naught electric field के magnitude का square. Everybody got it? इसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है कि भाई यहां पर एनर्जी डेंसिटी वेरिएबल भी हो सकता है। क्यों वेरिएबल हो सकता है बता दो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वेरिएबल होगा तो वेरिएबल भी हो जाएगा। किस किस को मेरी बात समझ में आई है? Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट होगा तो एनर्जी डेंसिटी भी कॉन्स्टेंट हो जाएगी। अगर कल कोई कह दे कि सबसे आसान एनर्जी निकालना कौन सा होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो कोई कह दे भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये कह दिया यार ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, अब या इसके कारण इस स्फेरिकल शेप के अंदर कितनी एनर्जी है, बॉल में, तो मैं कहूंगा बॉल के अंदर टोटल एनर्जी इज एनर्जी टोटल
inside ball would be energy per unit volume, that is half epsilon naught electric field ke magnitude ka square into volume kar do, into volume kar doge to aa jayega 4/3 pi r³. ये तो ऐसे हो गया जैसे टोटल मास निकालते हैं, मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज टोटल मास. बोलो हाँ, ऐसे तो कर रहे हो. यस सर. अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट थी तो एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट बोल दी. और मान लो कहीं किसी क्वेश्चन में कह देता कि नहीं जी यहां पर हमारे पास ना कोई ले लिया भाई, ऐसे क्यूब सा ले लिया, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई जेड एक्सिस. और अब ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड is a function of x, ऐसे electric field is a function of x, like suppose say e not x या e not x square ले लो. फिर कहता है यहाँ पर, तो मैं तुम्हारे सामने खुद ही question बना रहा हूँ, खुद ही solve कर रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ इस question के साथ. फिर कह रहा है यार ये cube ले लिया, इस cube के अंदर कितनी energy stored है, cube का side length ले लो l और ये distance ले लो l not. क्या करोगे भाई, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द क्यूबिकल वॉल्यूम, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द क्यूबिकल वॉल्यूम ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस व्हिच डिपेंड्स ऑन लोकेशन एक्स टू एक्स. हाँ या ना, द क्यूब साइड लेंथ इज सपोज से एल एंड द लेफ्ट मोस्ट एज ऑफ द क्यूब लाइज एट एल नॉट इन एक्स एक्सिस. अबे पल्ले भी पड़ रहा है क्वेश्चन, नहीं पड़ रहा है? yes. तो करो, मैं थोड़ी करूंगा सब चीजें, मैं ही कराऊंगा. हाँ गाइज, x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का ये काट दो, चलेगा? ये वॉल्यूम ले लो तो यहां पर हाफ एप्साइलन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दैट इज e नॉट x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया एनर्जी डेंसिटी. और ये एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट मान सकता हूं इस वॉल्यूम के ऊपर. कौन सी वॉल्यूम पे? छोटी सी वॉल्यूम पे. एल स्क्वायर डी एक्स, एक्स गोज फ्रॉम एल नॉट से एल नॉट प्लस एल, दैट इज एनर्जी टोटल. किस किस को चमक गया भाई? यस सर. किस किसने यही किया था? कोई भी नहीं था. निशा, निशा आर यू देयर? यस सर, अनम्यूट ही नहीं हो रहा था. अच्छा, यही किया था? यस सर. तो टफ तो नहीं था ना? नो सर. अब ये बताओ, हॉलो शेल ले लिया मैंने, हॉलो शेल ले लिया या सॉलिड कंडक्टर ले लिया. ऐसे है, रेडियस आर है और इसके सरफेस पे चार्ज है क्यू. अब इस पे सरफेस पे चार्ज है क्यू. कौन से वाला है? सिग्मा वाला. अब ये कह दो फाइंड एनर्जी stored in universe, wow, due to electric field created by, find the energy stored in universe in the electric field created by this solid conductor. Solid conductor ले लो या hollow shell ले लो? बोलो हाँ. Solid conductor ले लो या hollow shell ले लो? बेटा question भी समझ में आया है? तुम पहले तो ये बता दो कि इसके अंदर तो electric field होएगी ही नहीं. Agreed? तो अंदर energy भी नहीं होगी, बाहर electric field ऐसे होगी, होगी ना ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड? तो बाहर की दुनिया में तो एनर्जी स्टोर होगी,
इलेक्ट्रिक फील्ड में होगी या नहीं होगी, बोलो हाँ। यस सर। प्रॉब्लम क्या है, बाहर की दुनिया में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, तो एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो तुम ऐसे मानो ना, एनर्जी डेंसिटी सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, मान लो एनर्जी डेंसिटी को रो बोल दूं, तो एनर्जी डेंसिटी रो इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, कितना हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बोलो हाँ। किस किस को ये बात समझ में आई? ये हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम एट डिस्टेंस एक्स, या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट डिस्टेंस एक्स, गॉट इट और नॉट? फिर मैंने यूनिवर्स में एनर्जी स्टोर निकालनी है, मैंने कहा यहां पर एक पतला सा शेल काट लो, पतला सा शेल, एटलीस्ट इस पतले से शेल पे ये कह सकता हूं कि एनर्जी डेंसिटी इज कांस्टेंट। तो इस पतले से शेल के अंदर मास कितना होगा या एनर्जी कितनी होगी, डीएम या डी, छोटा सा मास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू में डी वॉल्यूम, ऐसे ही तो करते थे। ऐसे ही छोटी सी एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इनटू में छोटी सी वॉल्यूम, ये छोटी सी वॉल्यूम कितना हो गया, एरिया इनटू थिकनेस। किस किस को समझ में आया है? यस यस सर। और इसका मैं समेशन ले लूं, कहां तक लूंगा ये एनर्जी स्टोर्ड, कहां तक निकाल रहे हो भाई, ये कहां तक निकाल रहे हो, ये कहां तक निकाल रहे हो, कोई बताएगा? R to infinity बोलते हो, डर रहे थे क्या? R to infinity, infinity तक है भाई, यूनिवर्स में स्टोर्ड निकाल रहे हो, यहां वहां पे एक शेल बनेगा ऐसे, हाँ या ना, फिर एक और शेल बनेगा ऐसे, got it or not? उसमें एनर्जी स्टोर निकालोगे R to infinity, कितना बन रहा है भाई ये, हाउ मच आर वी गेटिंग, हाफ एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर 4 pi 1/x^4 इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज 1/x^2 इंटू डी एक्स, एक्स गोज फ्रॉम आर से इंफिनिटी, 4 pi एप्सिलॉन नॉट और एक के कट गया, तो ये बन गया के क्यू स्क्वायर 2, 1/x^2 का होता है -1/x, तो -1/∞ एंड -1/r, ये आ गया के क्यू स्क्वायर, हो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये करो, ये कहो ना, जब इस पूरे चीज को असेंबल करा, उसके अंदर उसको असेंबल किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सारी एनर्जी जाके स्टोर हो गई, बोलो हाँ। Yes, sir. अब मान लो ऐसे ही मैं लगाऊं, एनालॉजी लगा दूं, या मैं उसको एनालॉजी लगाऊं, या ये कह दूं कि मेरा सिक्स्थ सेंस चल रहा है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो मैंने कहा 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट को लिख दो जी, तो एप्सिलॉन नॉट को लिख दोगे 1/4 pi g, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट को लिख दिया 1/4 pi g ग्रेविटेशनल फील्ड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बच्चे कहेंगे क्या बदतमीजी चल रही है भाई, कुछ भी चल रहा है, हाँ ये कौन सी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गई, ग्रेविटेशनल फील्ड की हो गई, किसकी हो गई, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल, मेरे को फॉर्मूला याद भी नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि एनालॉजी जिंदाबाद है कि नहीं है? यस सर। किस किस को समझ में आ गया? यस सर। हाउ इज दैट गाइस, आई रॉक, बोलो हाँ या ना में, रिपीट करो भाई, कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? यस सर। बहुत जल्दी हाँ या ना करके आगे भाग जाता हूं मैं, पता है तुम्हें क्या कर जाता हूं,
ऐसे करके एकदम से आगे भाग जाता हूँ, ऐसे भाग जाता हूँ. सॉलिड स्फीयर कैसा है? सॉलिड स्फीयर से पहले एक क्वेश्चन कराऊं मैं, एक क्वेश्चन कराऊं. याद आ रहा है पिछली बार एक क्वेश्चन कराया था मैंने, यहाँ पर भी क्या सिखा दिया, मैंने कह दिया कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इस पे एरियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रेडियस आर है, चार्ज क्यू है, तो इस पे एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है, एनर्जी स्टोर्ड होती है के क्यू स्क्वायर बाय 2R. और मैंने क्या कहा था अभी, ये क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड मेंस में आया था, हाँ या ना? एक और क्वेश्चन बताऊं इसी चीज पे बेस्ड कैसे कैसे बन सकता है. इधर देखो, इधर देखो, मैंने ये क्वेश्चन कराया था पिछले से पिछली बार. ये रेडियस आर है, इस पे चार्ज 2Q दे दिया, इस पे रेडियस 2R है, इस पे भी चार्ज 2Q दे दिया, ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, बोलो हाँ. Yes, sir. और ये लार्ज सेपरेशन पे हैं, ये लार्ज सेपरेशन पे हैं. स्विच को कर दिया क्लोज, स्विच को कर दिया क्लोज. दो चीजें पूछेगा ये, चार्ज फाइनल ऑन ईच, और दूसरी चीज पूछेगा जो कि आई थी क्वेश्चन में, क्या हीट जनरेटेड इन सिस्टम, हीट जनरेटेड इन सिस्टम. किस किस को समझ में आया गाइस? यस सर. तो पहले तो इसके अंदर क्या कहोगे, जब कनेक्ट करके बंद कर दिया तो लेट द फाइनल चार्ज ऑन दिस बी स्मॉल क्यू एंड ऑन दिस बी 4Q माइनस स्मॉल क्यू, चलेगा? यस सर. फिर क्या कहोगे, ए पॉइंट का पोटेंशियल और बी पॉइंट का पोटेंशियल इक्वेट कर दोगे. क्या मैं कह सकता हूं पोटेंशियल ऑफ ए शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी? पोटेंशियल ऑफ ए हो जाएगा के स्मॉल क्यू बाय आर प्लस के 4Q माइनस स्मॉल क्यू बाय इंफिनिटी इक्वल टू के 4Q माइनस स्मॉल क्यू बाय 2R प्लस के स्मॉल क्यू बाय इंफिनिटी. नाउ दिस थिंग वुड बी टेंडिंग टू जीरो एंड दिस थिंग वुड बी टेंडिंग टू जीरो. और अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है भाई, प्लीज प्लीज गो टू द लास्ट लेक्चर, टू लास्ट लेक्चर, कंडक्टर्स का लेक्चर 1, और वहां पर जाके देख लेना, ठीक है? ये आ गया 2Q इज 4Q माइनस क्यू, क्यू इक्वल टू 4Q बाय 3, गॉट इट? तो फाइनल चार्ज इस पे आ गया 4Q बाय 3, इस पे आ गया 4Q माइनस 4Q बाय 3, दैट्स 8Q बाय 3. सॉरी, आर क्यों लिख दिया, पागल हो गया हूं क्या मैं? 8Q बाय 3, चलेगा? हीट जनरेटेड में कैसे लिख सकते हैं? व्हाट हाउ कैन यू फाइंड हीट जनरेटेड? क्या मैं कह सकता हूं कि लॉस इन एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम कैन बी थॉट ऑफ एज हीट? किस किस को चमका? जो बच्चे 11th क्लास में मेरे से पढ़ चुके हैं, ओ भैया लॉस का मतलब क्या होता है? पैसे का लॉस हो गया, पहले 100 रुपए थे अब 80 रुपए हो गए, 20 रुपए का लॉस हो गया. लॉस का मतलब क्या होता है? इनिशियल माइनस फाइनल. तो लॉस का मतलब होता है इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, गॉट इट और नॉट? तो दैट इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल. अब बच्चे कहें यार इनिशियल एनर्जी कैसे लिखें? मैंने कहा ये लार्ज सेपरेशन पे थे, ऐसे सोचो दो यूनिवर्स हैं. बच्चे कहेंगे कुछ भी फेंक रहे हैं सर, अब दो यूनिवर्स हैं, इस पे चार्ज 2Q है, तो इसके यूनिवर्स में एनर्जी स्टोर्ड कितनी है? अभी तो बताई थी के 2Q का स्क्वायर अपॉन 2R. इसके यूनिवर्स में स्टोर्ड एनर्जी कितनी है? के 2Q का स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ 2R, बोलो हाँ. Yes. और फाइनल एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी गाइस? फाइनल एनर्जी स्टोर्ड हो गई, इस पे था 4Q बाय 3, तो के 4Q बाय 3 का स्क्वायर अपॉन 2R प्लस के 8Q बाय 3 का स्क्वायर
अपॉन टू ऑफ टू आर. कैन आई से ऑन सिंप्लीफाइंग दिस एक्सप्रेशन यू विल गेट हीट जनरेटेड इन सिस्टम. हे आई डिडंट वेट टिल कैपेसिटर्स. तुम्हें पता है, तुम्हें पता है जो एनर्जी स्टोर्ड होती है ना शेल पे कितनी होती है, के क्यू स्क्वायर बाई टू आर. इसको निकालने के तीन तरीके हैं. पहला तरीका क्या था, पहला तरीका क्या था, असेंबलिंग द सिस्टम. पहला तरीका क्या था, असेंबलिंग द सिस्टम. दूसरा तरीका क्या था, एनर्जी डेंसिटी. और तीसरा तरीका क्या है, यूजिंग कैपेसिटर्स. कैपेसिटर्स वाला तुम्हें आता नहीं. मैंने कहा तो भी मेरे पास दो तरीके तो है अभी तक. गॉट इट और नॉट? यस. हाउ्स दैट गाइस? अरे लिख लो तो बता देना. लिख लिया सर. पक्का यार? टफ तो नहीं पढ़ाता हूं मैं, ये बता दो जरा. मुझे कोई को भी लगता है मैं टफ पढ़ा देता हूं. मुझे लगता है पता नहीं क्यों लगता है लेकिन लगता है. ये स्मॉल टॉक हो रही है, जल्दी जल्दी लिख लो. स्क्रॉल कर दूं? यस. मैं बताऊं, सॉलिड स्फीयर था, सॉलिड स्फीयर था, नॉन कंडक्टिंग. और मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसका रिजल्ट रटवाया था. क्या रिजल्ट रटवाया था? कि रेडियस आर है और इसमें रो वाला केस है, चार्ज टोटल क्यू है, इसके अंदर टोटल एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है. मैंने रटवाया था 3kq² / 5r. बोलो. हाँ, मैंने कहा इसको प्रूव करते हैं. इस बार मेथड टू से पहले करूंगा. मैंने कहा रेडियस आर है, ये चार्ज क्यू है, रो वाला है, और यहां पर बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. हाँ यार, बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. बाहर वाली एनर्जी कितनी होगी, आउटसाइड, आउटसाइड वाली यूनिवर्स में पोटेंशियल एनर्जी आउटसाइड विल बी kq² / 2r. मुझे निकालने का मन नहीं किया. बच्चे कहेंगे कैसे यार, वैसे ही तो करेंगे. हाफ एप्सिलॉन नॉट kq/x² का स्क्वायर इंटू 4πx² इंटू dx. एक्स गोज फ्रॉम r से इन्फिनिटी. ये बन जाएगा kq² / 2r. बोलो. हाँ. यस सर. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अंदर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है. समस्या समझ में आई? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है क्या? है तो सही. अंदर भी तो तुम्हें कहना पड़ेगा, यहां से x डिस्टेंस पे एक सेल काटो, इतने से पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड याद है किसी को? बुद्धू बच्चे हैं, बिल्कुल बिल्कुल याद नहीं होगा. रो एक्स बाय 3 एप्सिलॉन, या ऐसे भी लिख सकते थे kq x / r³. याद आ रहा है? यस सर. दोनों फॉर्म याद है? नहीं है. यस सर, दोनों याद. तो यहां पर इसमें इतने से वॉल्यूम के अंदर, इतने से शेडेड वॉल्यूम में एनर्जी कितनी स्टोर होएगी? ये हो जाएगी हाफ. वैसे इसमें प्रॉब्लम है, इस फॉर्मूले में यहाँ पे होना चाहिए एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर ई मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. बोलो. हाँ. अरे भैया, एप्साइलन मीडियम का लोगे? नहीं लोगे? एनर्जी डेंसिटी में हाफ एप्साइलन नॉट ई स्क्वायर होता है. तुम्हें पता है कि ये सिर्फ वैक्यूम के लिए वैलिड है, अदरवाइज तो ये एप्साइलन ऑफ मीडियम लिखना चाहिए. नहीं लिखना चाहिए? यस. एप्साइलन मीडियम को क्या लिखना चाहिए? एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर. यहाँ पे अजम्पशन ले रहा हूं मैं, एप्सिलॉन आर को 1 मान रहा हूं. ये मान रहा हूं कि अंदर भी एक तरीके से वैक्यूम ही है. सोचा ही नहीं था. तो मैंने कह दिया, फ्रॉड मार दिया. फ्रॉड करके कर रहा हूं मैं.
अंदर का एप्साइलन आर को वन लेके सॉल्व कर रहा हूं, तो ये हो गया हाफ एप्साइलन नॉट। मैंने कंसेप्ट सिखा दिया, कल किसी क्वेश्चन के अंदर अब दूसरा मीडियम लेना पड़े तो तुम ले लोगे नहीं ले लोगे बता दो, ये मत कहना कि सर ने तो बताया नहीं था ये। और के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर इंटू फोर पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स गोज फ्रॉम जीरो से आर, कैन आई से दिस इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड या एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड? यस। कितना आ रहा है? के स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू फोर पाई एप्साइलन नॉट बाय टू आर की पावर सिक्स और एक्स स्क्वायर एक्स की पावर फोर आर की पावर फाइव बाय फाइव, यह आ रहा होगा के क्यू स्क्वायर बाय टेन आर है, के क्यू स्क्वायर बाय टेन आर आ रहा है। अंदर है के क्यू स्क्वायर बाय टेन आर, बाहर है के क्यू स्क्वायर बाय टू आर। अंदर है के क्यू स्क्वायर बाय टेन आर, बाहर है के क्यू स्क्वायर बाय टू आर। टोटल सम कितना हो गया भाई? टोटल हो गया 1 बाय टेन प्लस 1 बाय टू ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय आर। एलसीएम लेना आता है? नहीं आता। कितना आ गया? 6 बाय टेन, 6 बाय टेन होता है 3 बाय फाइव। मैच खा गया। कल क्वेश्चन आ जाएगा, कल क्वेश्चन आ जाएगा। क्या क्वेश्चन आ जाएगा? पता नहीं क्या क्वेश्चन आ जाएगा कि भैया अंदर कितना है और अंदर और बाहर का रेशियो पूछ लिया, तो फॉर्मूला जो रट का बैठा होगा ना 3kq स्क्वायर बाय 5 आर वाला, वो छोड़ के आएगा उस क्वेश्चन को। बोलो हाँ। रट्टू जो तोते होते हैं उनका क्या होगा, पूछ सकता है ना क्वेश्चन वाला कि भैया अंदर जो स्टोर थी और बाहर जो स्टोर थी उनका रेशियो कितना है? 1 बाय 10 एस टू 1 बाय 2 का रेशियो होएगा नहीं होएगा? 1 बाय 5 का रेशियो होगा। गॉट इट और नॉट? यस सर। भगवान उठा लो यार, समझ में नहीं आ रहा बच्चों को। बाहर 5 टाइम्स ज्यादा होगी, बाहर 5 टाइम्स ज्यादा होगी, अंदर 5 टाइम्स ज्यादा कम है। गॉट इट? एनीवे गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। हे दैट वाज मेथड 2। किससे किया मैंने? इसे मैंने किया एनर्जी डेंसिटी से। दूसरा तरीका क्या है करने का? दूसरा तरीका क्या है? असेंबलिंग द सिस्टम। इसमें असेंबल करना आसान नहीं है, इसमें असेंबल करना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है बच्चों? भाई तुम यहां पर सॉलिड स्फीयर बना रहे हो, तुम्हें अल्टीमेटली सॉलिड स्फीयर बनाना है, तो तुम ये नहीं कर सकते ना जैसे पिछली बार कर रहे थे कि कंडक्टर ले लो और डीक्यू लाके ड्रॉप कर दो, क्योंकि डीक्यू लाके ड्रॉप कर दिया फिर ये फैल गया अपने आप इस पे, हाँ या ना? फिर और डीक्यू लाके ड्रॉप कर दिया फिर और फैल गया, फिर और डीक्यू लाके ड्रॉप कर दिया फिर ये और फैल गया। ऐसे नहीं है ना, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? कैसा है? वॉल्यूमेट्रिक है। इसके अंदर ऐसे सोचो कि इन्फिनिटी से पॉइंट चार्ज लाया, ऐसे रख दिया, फिर दूसरा लाया उसको क्ले की तरह इसके ऊपर चिपका दिया, उसके बाद तीसरा लाया उसको क्ले की तरह इससे चिपका दिया, चौथा लाया उसके ऊपर क्ले की तरह चिपका दिया। ऐसे ऐसे शेल चिपकाता गया जब तक मेरे पास ये शेल चिपक चिपक के क्या ना बन जाए मेरा सर सॉलिड स्फीयर ना बन जाए। किस किस को बात समझ में आ रही है? कुछ यस सर। ऐसे सोचो किसी इंस्टेंट पे तुम कुछ तो ला के यहां पर चिपका चुके हो। कितना? x रेडियस डेंसिटी रो तक का ये बन चुका है, हाँ या ना? किस किस को ये समझ में आया? वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बन चुका है। अब ये कहते हो कि dq लेकर आओ यहां से यहां तक, लाने में वर्क डन कितना लगेगा? पोटेंशियल एट दिस पॉइंट v1 ले लो, इसे v1 माइनस इंफिनिटी का पोटेंशियल इनटू dq। बोलो हाँ, दैट विल बी dw। पोटेंशियल एट v1 को क्या लिख सकता हूं? k q1 ले लो, k q1 बाय x इनटू dq इज dw। किस किस को समझ में आया है भाई? q1 क्या चीज है ये बता दो जरा। q1 हो गया जो अब तक चार्ज आ चुका है, x हो गया उस इंस्टेंट का रेडियस,
और डी क्यू हो गया जो तुम इन्फिनिटी से लाए हो, बोलो हाँ। इसको yes, सॉल्व करने में ना जान चली गई, बताओ क्यों? तीनों वेरिएबल है भाई, Q1 वेरिएबल है, X वेरिएबल है, DQ वेरिएबल है, Q1 वेरिएबल है, DQ वेरिएबल है, X वेरिएबल है। मुझे सारे वेरिएबल्स को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तभी तो मैं जाके ऐड कर पाऊंगा। तुम इतनी दुखी क्यों हो? दुखी तो मुझे होना चाहिए, बच्चे रिप्लाई भी नहीं करते, उनको समझ में नहीं आता। हाँ भाई, इसको Q1 को क्या लिख दूं? K रो इनटू 4 बाय 3 पाई x क्यूब लिख दूं, ये तो x के टर्म्स में आ गया, अपॉन x भी आ गया। अब dq को कैसे लिखूं x के टर्म्स में? मैंने अब दिमाग लगाया ना, ये dq लेकर आए थे, ये dq लेके आए, इसको लाके पहले तो लाने में वर्क डन लगा, लाने में वर्क डन लगा, यहां पर लाके इसे चिपकाओगे, चिपकाने में कोई वर्क डन नहीं लगेगा, लेकिन चिपकाने से ये मान सकता हूं कि ऊपर एक लेयर चिपका दी तुमने। ये dq जो था ये ऐसे सा था, इस क्ले को लाके इसके ऊपर चिपका दिया, चिपकाने में वर्क डन क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हर जगह पोटेंशियल सेम है कि नहीं है? यहाँ यहाँ पे तो हर जगह पोटेंशियल सेम है, तो सेम पोटेंशियल पे अगर चार्ज को घुमाऊंगा तो कोई वर्क डन नहीं लगता। बोलो हाँ, नहीं समझे? ऐसे सोचो कि ये डी क्यू लेके आए थे छोटा सा, इस छोटे से को जब मैंने इस पे चिपकाया तो इस लेयर के कारण रेडियस में वृद्धि आ गई, कितने की? डी एक्स की। और यहां पर भी डेंसिटी क्या है? रो। ओए होए, डी क्यू को लिख सकता हूं रो इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। किस किस को चमका है गाइस? यस सर। बच्चे सोच रहे क्या कर दिया सर ने, कुछ तो कर दिया। के रो 4 बाय 3 पाई एक्स क्यूब इंटू रो 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन एक्स इंटीग्रल x goes from 0 से r। पहले रेडियस था ही नहीं, बाद में रेडियस r हो गया। बोलो हाँ, कितना आ रहा है? एक x का स्क्वायर हो गया, x 4 x 5 by 5, तो k k रो स्क्वायर r की पावर 5 by 5 इनटू 4 पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। बोलो हाँ यार, मैच तो नहीं कर रहा। अरे रो को तो लिखोगे ना? रो को तो लिखोगे? नहीं लिखोगे रो को? क्या लिखोगे एंड में? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, दैट इज टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। इसका स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा। देखो 4 पाई स्क्वायर कटा यहां से, एक 3 भी कटेगा, और ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा। आंसर कितना आ रहा है? के क्यू स्क्वायर, 3 ऊपर चला गया, 3 के क्यू स्क्वायर by 5, यहाँ पर r की पावर 6 होगी, यहाँ पर r की पावर 5 है, तो 3 kq square by 5 r, done। Everybody got it? Yes sir। किस किस को लगा? बढ़िया लगा? नहीं लगा? लिख लिया? यार बच्चे ना बहुत दुखी क्या तुम लोगों ने? मैं बोल सकते हो सर अच्छा लगा नहीं लगा, समझ में आया नहीं आया, बोलो आया है समझ में, नहीं आया है? Yes. लिख लो तो बता देना। हो गया? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ें ना बढ़ें? यस यस सर।
देखो ऐसा है रिपीट करूंगा कुछ पार्ट को, पीहू समझ में आया है? यस सर। बेटा ज्यादा टफ तो नहीं पढ़ा रहा मैं, बता दो, टफ लग रहा है तो ठीक है, बस बेयरली समझ में आ रहा है यार, बेयरली। तुम ऐसे सोचो ना, ये सॉलिड स्फीयर है भाई, ये सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर को जब असेंबल करोगे तो तुम्हें तब जब इस पे कुछ चार्ज आ चुका है और पॉजिटिव चार्जेस लाओगे तो रिपल्शन हो रही है ना, रिपल्शन हो रही है तो तुम्हें वर्क डन करना पड़ रहा है, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती जा रही है, कितनी टोटल स्टोर हो गई 3KQ² / 5R। और ग्रेविटेशन में क्या होता है, ग्रेविटेशन में एनर्जी होती है -3GM² / 5R। ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके अंदर वर्क करना नहीं पड़ा, इसमें खुद ही हो गया वर्क। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ मास आ चुका है M1 और मास लेके आ रहे हो तो ये खुद ही खींच लेगा ना, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ये खुद ही पुल कर लेगा, इसका मतलब तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा, गॉट इट और नॉट, स्लोली जाए। Yes, तो इसका मतलब इसके अंदर ये खुद ही असेंबल हो गया, तो इसकी एनर्जी पहले जीरो थी तो अब नेगेटिव में चली गई, हाँ या ना। इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, जैसे ये मान लो 10 जूल है तो 10 जूल एनर्जी स्टोर हो गई, इसमें एनर्जी स्टोर्ड क्या है, -10 जूल। तुम समझे नहीं, इसका मतलब मुझे ये, अगर कौन मैसेज मार रहा है यार, अगर ये वाला होता चार्ज वाला होता तो चार्ज वाले को अगर मैं टुकड़े टुकड़ों में तोड़ देता, एक चार्ज बॉल है खटाक से तोड़ दिया ठा, तो खुद ही भाग जाएंगे इंफिनिटी पे, कितनी एनर्जी रिलीज करेगा ये बताओ, रिलीज करेगा 3KQ² / 5R। लेकिन अर्थ है और अर्थ को मैं तोड़ूं स्नैप करके तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, कितना 10 जूल। नहीं समझे, चार्ज बॉडी है वो तो खुद ही टूट, वो तो खुद ही टूटना चाह रही है, तो वो अगर टूट गई तो एनर्जी रिलीज करेगी 10 जूल, लेफ्ट वाला केस हो गया जिसमें एनर्जी रिलीज करेगी, और राइट वाला केस हो गया जो अर्थ वाला है, उसके अंदर मुझे इतना वर्क करना पड़ेगा टू ब्रेक द अर्थ इनटू इनफाइनाइटली मेनी पार्ट्स व्हिच गो टू इंफिनिटी स्लोली, हाँ या ना। यस सर। कैन आई से 3GM² / 5R इज द वर्क डन बाय थानोस इन ब्रेकिंग द मून, एंड गेम याद आ रही है? अरे एंड गेम याद आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। यू थ्रो अनदर मून एट मी एंड आई विल लूज इट, got it? So Thanos did 3GM² / 5R ka work, and this is not assuming the kinetic energy he had given to the particles, ye slowly todne mein kaam kiya hai, got it or not? Bachche keh rahe hain kya ho gaya sir, pagal ho gaye hain, suppose karo ye earth tha, iska radius tha r, iska mass tha m, aur Thanos ne इसको 8 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया, 8 इक्वल पार्ट्स में, तो एक का मास हो गया सपोज m/8 और उसका रेडियस डेंसिटी सेम है, डेंसिटी सेम है, सेम इक्वल पार्ट्स में तोड़ा और सर्कल्स में ही तोड़ा, स्फीयर्स में ही तोड़ा, तो मैं ये कह सकता हूँ रेडियस कितना हो जाएगा r डैश कितना हो जाएगा 4/3 πr³ √ शुड बी m/8 ना, m/8 कितना हो गया √1/8 × 4/3 πr³, क्या मैं कह सकता हूँ r′ will be r/2। बच्चे कह रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं सर, एक क्वेश्चन बना रहा हूँ यार मैं, और ये 8 है What is the initial energy of the system? -3 GM² / 5R. What is final energy of the system? -3 G m/8² / 5 r/2 8 times. मैंने 8 इसलिए लिया था, मुझे पहले से पता था कि r/2 आएगा, बोलो हाँ, घटिया सी वैल्यूज नहीं लेंगे ना हम, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है,
माइनस थ्री जी एम स्क्वायर बाय फाइव आर तो रह गया और साथ में क्या आ गया वन बाय फोर हो गया ना, गॉट इट और नॉट? यस पक्का? तो मैं ये कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं व्हाट इज द वर्क डन बाय थानोस इन गोइंग फ्रॉम स्टेट वन टू स्टेट टू, हाँ या ना? सो कैन आई से वर्क डन बाय थानोस, वर्क डन बाय थानोस इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, गॉट इट? फाइनल हो गया? अरे अब कर लेना यार, मैं अब बोर हो गया इस क्वेश्चन से. ठीक है, गाइस कैसा लगा? या आज ज्यादा हद हो गई है? अब हम कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि मुझे मालूम है लेजी पीपल विल नेवर डू, बट इन एनी केस इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव यू. कैसे लग रहे हैं? हे बाय द वे 139 तो बकवास हो गया ना, 139 तो करा चुका हूं ना मैं. फोर्स पर यूनिट एरिया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर था सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, गॉट इट? तो 139 नहीं करना है, वो करा चुका हूं, ये मैं करा चुका हूं, ये मत करना. ये वही है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर व्हिच वाज गिवन बाय सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. आया ना? कौन से करोगे? 137 करोगे, 138 करोगे, 140 करोगे? आंसर की भी दे दूं क्या? बाद में ये मत कहना कि भाई हमें आंसर नहीं पता था इसलिए हमने किया नहीं. 137 3 point है ही नहीं, कहाँ है भाई? 137 ये रहा इसका आंसर. Got it? Everybody got it? Yes, sir. क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? Yes, sir. Cool. क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक क्वेश्चन चलो मैं करा देता हूं आखिरी. मान लो मेरे पास एक थिन शेल है, एक और थिन शेल है, इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2, इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2. थिन, टू थिन शेल्स, टू थिन शेल्स. फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम, फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम. अरे ध्यान रखना, टू थिन शेल्स हैं, इसका मतलब क्या है? इधर एयर है, इधर एयर है, इधर एयर है. हालांकि आंसर सेम ही आता अगर यहां पर पूरे को कंडक्टर बोल देते तो भी, हाँ या ना? लेकिन चलो मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने टू थिन शेल्स बोल दिया, चलेगा? क्योंकि कंडक्टर भी बोल देता तो भी एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ही आता, थिन शेल बोला है तो भी एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ही है, दोनों पे एरियल डिस्ट्रीब्यूशन है Q1 Q2 के कारण, गॉट इट? भाई कैसे करोगे? असेंबलिंग द सिस्टम से करेंगे. जब कुछ नहीं आता तो क्या आता है हमें? डेरिवेशन आता है. क्या कहोगे गाइस? मैं बता रहा हूं क्या कहोगे. ऐसे मैं कहो कि ये रेडियस R1 है, इधर Q आ चुका और इधर DQ लेके आ रहा हूं और इसको लेके आया, तो इसको वर्क डन कितना लगेगा? K Q / R1 माइनस जीरो इंटू डी क्यू इंटीग्रेशन जीरो से लेकर क्यू वन. ये तो वर्क डन वन हो गया, गॉट इट? ये आ जाएगा के क्यू वन स्क्वायर बाय टू आर वन.
भाई बात समझ में आई या नहीं आई? तुम कहोगे yes, इससे ये सिस्टम थोड़ी बन गया। मैंने कहा ये स्टेप वन है, ये स्टेप वन है, स्टेप वन के एंड में हमारे पास ये सिस्टम बन चुका है। गॉट इट? स्टेप वन के एंड में ये सिस्टम बन चुका है। स्टेप वन के एंड में ये सिस्टम बनने के बाद ये बन चुका, क्यू वन आ चुका, रेडियस आर वन हो गया। अब आउटर वाला बनाना है। आउटर वाला कैसे बनाएंगे? आउटर वाले में आर टू डिस्टेंस पे एक शेल और होना चाहिए। यहां पर क्यू आ चुका और डी क्यू लेके आऊंगा। वर्क डन कितना होगा? छोटा सा पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट कितना होगा बेटा? यहां पर लोग करते हैं गलती, के क्यू वन बाय आर टू भी तो ऐड होएगा साथ में, के क्यू बाय आर टू माइनस जीरो इंटू डी क्यू, एंड डी क्यू विल गो फ्रॉम जीरो से लेकर क्यू टू। किस किस को ये हजम हुआ है? नहीं हुआ है तो यहाँ पर समय है, पूछ सकते हो। यस सर। आया समझ में? यस भाई। क्यू वन बन आ चुका है, क्यू वन आ चुका है, अब स्मॉल क्यू भी आ चुका है, तो वहां पे पोटेंशियल क्यू वन के कारण भी होगा और स्मॉल क्यू के कारण भी होगा। गॉट इट और नॉट? ये स्टेप टू हो गया, ये स्टेप टू हो गया। स्टेप टू करने में वर्क डन कितना लगेगा टोटल? इंटीग्रेट करोगे तो ये सीधा बन जाएगा के क्यू वन क्यू टू बाय आर टू प्लस के क्यू टू स्क्वायर बाय टू आर टू। हाँ या ना? तो दिस इज वर्क डन इन असेंबलिंग द सेकेंड वाला, जब पहला असेंबल हो चुका है, एंड दिस इज द वर्क डन इन असेंबलिंग द पहले वाला। हाँ या ना? तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? टोटल वर्क डन हो जाएगा एनर्जी ऑफ सिस्टम, टोटल वर्क डन हो जाएगा एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये हो जाएगा के Q1 स्क्वायर बाय 2R1 प्लस के Q1 Q2 बाय R2 प्लस के Q2 स्क्वायर बाय 2R2। और इसको कुछ कोचिंग वाले और कुछ लोग इसको रटवाते हैं और कुछ अजीब अजीब से ढंग से समझाते हैं। भैया देखो ऐसा है, हमें इतना ना ज्यादा बकवास करनी नहीं आती, हमें तो सिर्फ सिंपल आता है कि भाई डेराइव कर लिया हमने आउट ऑफ थिन एयर। गॉट इट और नॉट? अरे अजीब अजीब सी बातें बोलते हैं, कहते हैं ये इसकी सेल्फ हो गई, ये इसकी सेल्फ हो गई, ये इसका इंटरेक्शन हो गया। मैंने कहा ऐसे कौन याद करता है भाई? डिराइव करना नहीं आ रहा है क्या? गॉट इट और नॉट? और इंटरेक्शन हो गई तो नीचे R2 कैसे लिख दिया तुमने? पंडित जी आए थे R2 बोलने के लिए। समझ में आई बात है? नहीं आई तो ऐसे नहीं करना है। इसको कैसे करना है? जैसे मैंने कराया है, असेंबल द सिस्टम आउट ऑफ थिन एयर, असेंबल द सिस्टम आउट ऑफ thin air. Got it or not? Yes. हाँ भाई लिख लो आराम से। Now we are done with electrostatic potential energy. Now that we are done with self potential energy also, now we are done with electrostatic potential energy. नेक्स्ट टॉपिक कैविटी क्वेश्चंस। कॉफी का सत्यानाश हो गया है, कोल्ड कॉफी बन गई है और वो भी कड़वी बिना शुगर की। नाउ इट इज बेटर ना? हाँ देखो किसी को लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। आज लास्ट लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। टेस्ट लगाए मैंने दो, पता है ना, और अभी दो और बन रहे हैं, एक डाइपोल पे एक कंडक्टर्स पे। मैंने एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बनाया है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे बनाया है। हाँ या ना? कब तक है सर वो? सैटरडे तक, बिफोर द क्लास तक, और अभी दो और बने हुए हैं। आपने कब लगाए टेस्ट? अभी लगाए थे मैंने, कल या परसों। खुश नहीं सर, वो पोटेंशियल एनर्जी वाले में ये आज वाला भी आएगा? वो याद नहीं आ रहा, मैंने इसमें डाला है नहीं डाला, शायद नहीं डाला है। कंडक्टर मतलब सैटरडे तक ही खोले हैं? हाँ हाँ, बस सैटरडे तक खुले हैं, और अभी दो और लगेंगे, एक डाइपोल का लगेगा, एक कंडक्टर का लगेगा। हाउ इज दैट? वेंसडे तक खोल दीजिएगा सर।
उन दो को वेंसडे तक खोलूंगा और शिफ्ट बिल्कुल नहीं करूंगा. तो प्लान अकॉर्डिंगली, प्लान अकॉर्डिंगली. गॉट इट और नॉट? बहादुर बच्चे हो यार, बारहवीं के बच्चे हो, ग्यारहवीं के थोड़ी हो. ग्यारहवीं के बच्चे होते हैं जिनको धीरे धीरे पढ़ना होता है. आगे बढ़े सर, किन दो टेस्ट को आप वेडनेसडे तक खोलोगे? जो अभी दो और लगाऊंगा, डाइपोल और कंडक्टर वाला. ठीक है, गाइस, कैविटी प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट टॉपिक इज कैविटी प्रॉब्लम्स. एक कैविटी प्रॉब्लम से पहले मैं कुछ बात बताना चाहूंगा, कुछ रिजल्ट याद रखना. कि हमारे पास ये सॉलिड स्फीयर होता है रो वाला, इसके अंदर यहां से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? रो एक्स बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, या फिर के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू. बोलो हाँ सही है, ये याद है या नहीं है? याद है ऑब्वियसली यार, अभी तो यूज किया. याद है. और कौन सा वाला रिजल्ट याद होना चाहिए? ये सिग्मा वाला इनफाइनाइट सिलेंडर याद आ रहा है? अंदर फील्ड जीरो होती है और यहां पर एक्स पे कितनी होती है? बच्चे कहेंगे सर याद ही नहीं आ रहा, वो तो निकालते थे गॉस लॉ से. गॉस लॉ से निकालते थे, हाँ या ना? कैसे निकालते थे? Anybody? या मैं जल्दी जल्दी निकाल दूं, जल्दी जल्दी निकाल देते. ऐसे करते थे, ऐसे गॉसियन सरफेस बनाते थे, ये लेंथ एल ले लेते थे, ई ऐसे होता था, एरिया ऐसे होता था, ई एरिया एरिया हो जाता था 2 पाई एक्सएल, चार्ज एनक्लोज रो, रो नहीं सॉरी सिग्मा, और ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज इस सरफेस पे जो होगा तो 2 पाई आर एल बाई एप्सिलॉन नॉट. गॉट इट और नॉट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती थी रो आर बाय एप्सिलॉन नॉट एक्स. गॉट इट? आउटसाइड, हाँ या ना? Yes. यार इसको निकालने का ना जुगाड़ तरीका बताऊं, जुगाड़ तरीका बाद में कहीं ना कहीं काम आएगा. मैं कैपेसिटर्स के अंदर एक लाइन में लिखूंगा, फिर तुम ये मत कहना कि ये तो आता ही नहीं है. जुगाड़ तरीका कैसे लिख सकते हैं? ये आर है, ये इनफाइनाइट है, और यहां पर अंदर तो चार्ज एनक्लोज जीरो है, अंदर तो जीरो था ही, हाँ या ना? बाहर वाला लिखना था, बाहर वाले को कैसे लिख दो? यार तुम्हें पता है ये रिजल्ट कैसा होता है? ये रिजल्ट ऐसा ही होता है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स वाला. हो तुम कहोगे ये तो इनफाइनाइट रॉड का होता है, लेकिन लैम्डा क्या लोगे? इसमें तो सिग्मा है. व्हाट इज लैम्डा? व्हाट इज लैम्डा? ये वही तो हो गया 2k लैम्डा बाय r वाला, 2k लैम्डा बाय x वाला. लैम्डा को क्या लिखोगे? लैम्डा क्या होता है पहले? व्हाट इज लैम्डा? चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ. टेक 1 मीटर, टेक 1 मीटर, इस पे जो चार्ज होगा उसको लैम्डा बोल सकता हूं. व्हाट इज चार्ज ऑन दिस? इस पे चार्ज हो जाएगा सिग्मा 2 पाई आर 1. सिग्मा 2 पाई आर लिख दो इसको, इसको सिग्मा 2 पाई आर लिख दो बच्चे, सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट एक्स. मैच हो गया? चार्ज ऑन 1 मीटर. भाई जब करना होता है ना, मतलब हाथी के दांत देखने के और क्या, और खाने के और. सही कह रहा हूं गाइस? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा. आगे बढ़ूं? यस सर. गाइस आगे बढ़े. ये यस सर, सॉलिड सिलेंडर वाला जो होता था, सॉलिड सिलेंडर वाला जो होता था, रेडियस आर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर है, अंदर रो है, तो यहां पर एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड
गॉसियन सरफेस बनाते थे ई टू पाई एक्स एल इज रो पाई एक्स स्क्वायर एल बाय एप्सिलॉन नॉट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती थी रो एक्स बाय टू एप्सिलॉन नॉट. किसी को नहीं चमका तो मैं बता दूं यहां पर मैंने गॉसियन सरफेस बनाया है लेंथ एल का. लेंथ एल का और उस पर गॉस लॉ लगा के और गॉस लॉ को यूज करके सिमेट्री यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया. बोलो हाँ. अरे दो जीरो भी होते थे लिड वाले फ्लक्स. ऐसे ही बाहर वाले पे करेंगे तो क्या होगा ई टू पाई एक्सएल लेकिन उसमें चार्ज आर तक ही होगा रो और वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है पाई आर स्क्वायर एल बाय एप्सिलॉन नॉट. ये हमारा चार्ज एनक्लोज हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी रो आर स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट एक्स. गॉट इट? हाँ या ना? यस सर. दिस इज फॉर एक्स ग्रेटर देन आर. दिस इज फॉर एक्स लेस देन आर. इसको मैं कैसे करता हूं? मैं कह देता हूं कि दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट रॉड वाला रिजल्ट यूज करेगा. तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स. लैम्डा क्या हो जाएगा? चार्ज ऑन 1 मीटर. चार्ज ऑन 1 मीटर तो ये हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर 1. कैन आई से दिस विल बी रो एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. बाहर कैसा रिजल्ट आएगा? बाहर एक्स पे रिजल्ट कैसा आएगा? उसमें भी ऐसा ही रिजल्ट आएगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स. लैम्डा को लिख देंगे रो पाई आर स्क्वायर 1. तो ये आ जाएगा रो आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स. कैच हुआ या नहीं हुआ? एवरीबडी गॉट इट? यस सर. गुड. बढ़िया था गाइज. आगे बढ़े. यस. अरे आप कैविटी वाले क्वेश्चन कराए थे, अब क्या करा दें? कैविटी वाले क्वेश्चन भाई मान लो. अब जैसे फॉर एग्जांपल एक तो आई थिंक ये आया था एडवांस में, आया था 2009 के आसपास आईआईटी के पेपर में आया था 2009 में. उन्होंने क्या किया था? इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर ले लिया. रेडियस उसका ले लिया आर और ये ले लिया रो. और फिर कहते हैं यहां पर बना दी कैविटी. कुछ ऐसा ही था, स्फेरिकल कैविटी रेडियस आर की. इसका मतलब यहां पर वैक्यूम कर दिया यहां पर रो ऐसे. और फिर कहते हैं यहां से एक्स डिस्टेंस पे फील्ड निकाल लेना इलेक्ट्रिक फील्ड. मैंने कहा देखो ऐसा है, यहां पे फील्ड निकालने का बहुत आसान तरीका क्या है? तुम ऐसे मानो कि पूरा सिलेंडर था तो उसके कारण यहां पर एक्स पे फील्ड कितनी हो जाएगी? रो आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स. चलेगा? सही है. पूरा सिलेंडर हो गया. yes, वाला पूरे में रो है. अब कहता है कि यहां पर कैविटी बनानी है. तो मैंने कहा यहां पर एक स्फीयर ले लो जिसमें माइनस रो भी ठूंस दिया, अपने आप कैविटी बनेगी इस रीजन में या नहीं बनेगी? yes, उसके कारण फील्ड अंदर की तरफ हो जाएगी. कौन सा फॉर्मूला लगेगा? के क्यू बाय एक्स स्क्वायर वाला. आउटसाइड अ सॉलिड स्फीयर तो यही फॉर्मूला होता है. तुम्हें बस लिखना पड़ेगा अंदर की तरफ क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है.
और Q की जगह क्या लिख दोगे, रो इंटू 4 बाई 3 पाई आर क्यूब बाय एक्स स्क्वायर, इन दोनों का रिजल्टेंट ले लेना। तो ये हो गया सपोज E1 और ये हो गया सपोज E2, तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 रेडियली आउटवर्ड। गॉट इट और नॉट, आई डोंट इवन केयर कि क्या वैल्यू आ रही, करते रहना बैठ, ठीक है। बोलो हाँ, यस, ओके, एवरीबॉडी गॉट इट, सही है, यस सर। ये आई थिंक 2009 का था या 2010 का था, आई डोंट रिमेम्बर, मतलब मैं उस साल के पेपर को देखकर तो मुझे बहुत हंसी आई थी, बताए उस साल का पेपर मैं तो उसका आंसर की बना रहा था, मतलब मैं उस पेपर को देख के मैंने कहा था एक कोचिंग टाइप पेपर आ गया इस बार, क्या आ गया, जनरली कोचिंग टाइप नहीं आता है एडवांस में, क्योंकि वो क्वेश्चन डालते हैं ना तो मतलब थोड़ा सा बिल्कुल ही नया सा बनाने की कोशिश करते हैं, और उसमें क्या था, दो पेज हार्ड कॉपी थी, दो पेज और उसमें तीन क्वेश्चन ऐसे जो कैविटी वाले, एक पता चला जी ऐसे लेके बचे हुए का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं, एक ऐसा कि ऐसा कुछ बना दिया और ऐसा कुछ बना दिया बड़ा सा, और फिर कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन कहाँ है, और तीसरा ये आ गया, मैंने कहा पागल हो गए हैं, सारे के सारे एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन डाल दिए, ऐसे लग रहा था किसी कोचिंग वाले ने बैठ के पेपर बना दिया। गाइस हो गया नहीं हो गया, आगे बढ़े, यस सर। उसके बाद Now this is the question which has been repeated so many times in mains and advanced, so many times. Sphere ले लिया, solid sphere ले लिया, row वाले, और इसमें इसका center है C1, और इसके अंदर एक cavity ले ली, उसका center है C2, और cavity में कोई general point P ले लिया, और अब ये कह रहे हैं कैविटी के अंदर जनरल पॉइंट पी पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, मतलब यहां पे पूरे पे रो है एंड यहां पर एयर ले लो, वैक्यूम ले लो, ये कैविटी है और जनरल पॉइंट पी बोल रहा है, जनरल पॉइंट पी बोल रहा है यार, जनरल पॉइंट कोई मतलब रेंडम पॉइंट पी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए अच्छा है क्योंकि इसके अंदर आंसर जो आता है बहुत बढ़िया आंसर आता है, और ये इरोडोम में भी है क्वेश्चन। गाइस इसको कैसे करेंगे, जनरल पॉइंट बोला है। क्या मैं कि ये कह सकता हूं कि दिस सिचुएशन कैन बी थॉट ऑफ एज पूरा सॉलिड स्फीयर ले लो C1, पूरे पे रो मान लिया, चलेगा हाँ या ना, और पॉइंट पी ले लिया, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे होगी ना, ई वन कितनी हो जाएगी, रो इस डिस्टेंस को ले लो X1, रो X1 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, बोलो हाँ, यस। अब तुम्हें कैविटी बनानी थी, कैविटी कैसे बना देंगे, हम ये कहेंगे यहां पर कैविटी बनानी है तो यहां पर माइनस रो भी डाल दो, इसका सेंटर C2 पे है, तो यहां पर इस ब्लू वाले के कारण देखा जाए तो ये पॉइंट P है और उसका सेंटर C2 है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इधर की तरफ होगी ना E2, क्योंकि यहां पर माइनस रो डाला है, तो E2 कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा रो इस डिस्टेंस को ले लो X2 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना, yes। प्रॉब्लम जानते हो कहां पर है, तुम इसको ऐड नहीं कर सकते, क्यों ऐड नहीं कर सकते, जब तक तुम इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखोगे तुम ऐड कर सकते हो क्या, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख के तो ऐड करोगे या नहीं करोगे, हाउ कैन यू राइट इवन इन वेक्टर फॉर्म, कैन आई से कि दिस विल बी अलोंग C1P वेक्टर, तो C1P यूनिट वेक्टर लिख दूं इस डायरेक्शन में, किस किस को समझ में आया,
यस सर। और ई टू का वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, पी से सी टू यूनिट वेक्टर। बोलो हाँ। यस सर। यस सर। बेटा जरा जरा ध्यान से देखो, ध्यान से। ई वन वेक्टर क्या बन रहा है तुम्हारा, ई वन वेक्टर बन रहा है रो एक्स वन इंटू सी वन पी का यूनिट वेक्टर। कैन आई डायरेक्टली से दिस इज टेक्निकली सी वन पी वेक्टर। अरे ये उसका मैग्नीट्यूड नहीं है सी वन पी का। यस सर। और इसको लिख सकता हूं रो पी सी टू बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट, ये ई टू वेक्टर हो गया। गॉट इट और नॉट, दोनों को ऐड करो तो क्या बनेगा, रो रो बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट सी वन पी प्लस पी सी टू। डू यू रियलाइज बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ आई टेक कोई अच्छा सा कलर लेते हैं, सी वन पी वैक्टर एंड देन पी से सी टू वैक्टर, दैट विल बी सी वन सी टू वैक्टर। हाँ सी वन पी वैक्टर प्लस पी सी टू वैक्टर इज सी वन सी टू वैक्टर। यार पी के इंडिपेंडेंट आ रहा है, पी के इंडिपेंडेंट आ रहा है, ये आ रहा है रो सी वन सी टू बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट, रो सी वन सी टू बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पी। इसका मतलब कैविटी के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। क्या बन गई, क्या बन गई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉट इट और नॉट, पी के इंडिपेंडेंट है, हर जगह उतनी वैल्यू आएगी। बच्चे सोच रहे ये क्या हुआ, यही तो बना कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट इज हाउ मच, इज हाउ मच, सी वन सी टू को जोड़ो और सी वन सी टू वाले वेक्टर के अलोंग होगी और कितना मैग्नीट्यूड होगा, रो सी वन सी टू वेक्टर अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट। इस डिस्टेंस को अगर मैं एल बोल दूं तो दिस विल बी रो एल बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसका मतलब इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, विल बी लाइक दिस एवरीवेयर। Everywhere it is along C1, C2, and the magnitude is rho L by 3 epsilon naught. किस किस को ये समझ में आया है? Yes, sir. Yes, sir. Got it. अब क्वेश्चन के अंदर ना वो इसकी इस चीज को लेके अब बच्चों को ये याद हो, बच्चे रटना चालू कर दिया उन लोगों ने कि इसकी अंदर यूनिफॉर्म होती है वगैरह वगैरह, तो उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, वो कुछ भी पूछ लेते हैं। अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम होगा क्या? नहीं, फील्ड लाइन के अलोंग चलते हैं, पोटेंशियल गिरता है नहीं गिरता है? हाँ सर। हाँ तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, बच्चों को लगता है यूनिफॉर्म फील्ड है अंदर पोटेंशियल भी कॉन्स्टेंट है, बल्कि पागल हो गए हो। यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर एज लॉन्ग एज यू मूव परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइन पोटेंशियल रिमेन सेम, इफ यू मूव द अलोंग द फील्ड लाइन योर पोटेंशियल विल फॉल। गॉट इट और नॉट? यस सर। तो अपना कॉमन सेंस थोड़ी छोड़ के आ जाएंगे, रिजल्ट तो हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया है ना। अगर अगर अंदर कोई पॉइंट चार्ज रख दूं, क्या मैं कह सकता हूं उस पे थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन लग जाएंगी? क्यों? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगी एज लॉन्ग एज इट इज इनसाइड द कैविटी। समझे कि नहीं समझे? यस सर। थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन लग जाएंगी किसी महान कोचिंग के महान मॉड्यूल के अंदर। महान क्वेश्चन था कि ये अर्थ ली, अर्थ के अंदर कैविटी खोद दी और फिर कहता है यहां से पार्टिकल छोड़ा, ये कितनी देर में यहां गिरेगा? तो पता है इसमें क्या था बेसिकली, और ग्रेविटेशन के चैप्टर में डाला, ग्रेविटेशन में तो मैंने ये चीज कराई ही नहीं थी। अब ग्रेविटेशन में भी सेम चीज लगेगी, रो दिस डिस्टेंस इज एल, सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस इज एल, रो एल बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी हो जाएगी, रो एल बाई थ्री फोर पाई जी। ये कैसे किया मैंने,
वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट को लिख दिया जी, तो वन बाय एप्सिलॉन नॉट को लिख दिया फोर पाई जी, और फिर कह दिया मास इनटू ई, मास इनटू ई इज फोर्स, दैट शुड बी मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आ गया बेसिकली दिस क्वांटिटी, बोलो हाँ। अब इस एक्सेलरेशन को लेके लगा दिया थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, गॉट इट? आई डोंट वांट टू इवन डू दिस क्वेश्चन, ओके? एंड दैट वाज अ वेरी 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 रॉन्ग प्लेस टू पुट दिस क्वेश्चन, ग्रेविटेशन में डाल दिया वहां पर, उस टाइम पे इतना कुछ आता था तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली बातें नहीं आती थी ना, और अगर कराने लग जाएंगे तो 11th का सिलेबस होगा, जितना बड़ा इलेक्ट्रोस्टैट मैंने कराया है इतना अगर मैं ग्रेविटेशन करा दूं तुम्हारा 11th का सिलेबस पूरा होएगा? नहीं सर। Everybody got it or not? Yes, sir. अब यही चीज अगर हमारे पास कही जाए कि हमारे पास सिलेंडर है इनफाइनाइटली लॉन्ग, क्या है गाइस? सिलेंडर है इनफाइनाइटली लॉन्ग। आज का लेक्चर टफ है, पहले बता रहा हूं, बहुत से बच्चों को टफ लग रहा होगा। इसमें कौन सा है? रो वाला। अच्छा जी, इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल कैविटी कर दी, ये कैविटी है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ पॉइंट इन द कैविटी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एट अ पॉइंट इन द कैविटी, एट अ पॉइंट इन द कैविटी। कैसे करेंगे? पहले तो देखो टॉप व्यू, आंख लगाओ ऊपर, आंख ऊपर लगाओगे तो तुम्हें ऐसे दिखेगा, पिंक वाला ऐसे दिखेगा, बोलो हाँ, और उसके अंदर ये सिलिंड्रिकल कैविटी ऐसे दिखेगी, इसका सेंटर हो गया C1, जैसे ये हो गया C1 और ये हो गया C2, एग्रीड? ये हो गया C2। एक पॉइंट ले लिया P, कोई रैंडम पॉइंट इनसाइड द कैविटी। क्या मैं ये कह सकता हूं अगर पूरे पे रो होता, पूरे पे अगर रो होता, यहां पे भी होता यहां पे भी होता, ये सॉलिड सिलेंडर के अंदर वाला पॉइंट हो जाता? नहीं हो जाता। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? रो एक्स बाय टू एप्सिलॉन नॉट, अभी निकाला था, बोलो हाँ, नहीं याद आ रहा, रो एक्स बाय टू एप्सिलॉन नॉट होता है, दिख रहा है ये दिख रहा है? वे सो रहे हो क्या? एवरीबॉडी नो तो रो एक्स, रो एक्स बाय टू एप्सिलॉन नॉट, एक्स का रोल क्या प्ले करेगा ये? इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इसको ऐसे लिख सकता हूं रो सी वन पी बाय टू एप्सिलॉन नॉट, और फिर दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहा अब इसको कैविटी बनानी है तो माइनस रो भी डाल दो, तो यहां पर इसके सेंटर की, ये एक तरीके से दूसरा सॉलिड सिलेंडर हो गया, हाँ या ना, ऑफ माइनस रो, इसका सेंटर हो गया से सी टू, और इसके क्रॉस सेक्शन पे यहां पर पी पॉइंट पे पूछ रहे हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं फील्ड होएगी इस लाइन के लॉन्ग, और वेक्टर फॉर्म में कितनी हो जाएगी? रो पी से सी टू की तरफ वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, जब तुम दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा? सी वन पी प्लस पी सी टू, क्या मैं कह सकता हूं पी उड़ जाएगा बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन C1 C2, तो एग्जैक्टली ये क्या बन जाएगा, यहां पर फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म आएगी, एंड दैट विल बी नथिंग बट रो C1 C2 by 2 epsilon naught, that's your electric field inside at a point P in the cavity, bolo haan, everybody yes, got it? Yes sir. We banane wale to is question ke andar kuch bhi naya bana denge, jaise cylinder wala bana diya, ab kisi jagah maine ye bhi dekha tha ki ek solid sphere le liya jiska center tha C1, ye tha rho ka, aur iske andar ek aur solid sphere thoos diya, इसका सेंटर था C2, इसका था माइनस रो, जो ओवरलैपिंग पोर्शन है ना वहां पे पूछ रहे हैं। अब मैंने कहा यार ओवरलैपिंग पोर्शन है उसमें किसी पॉइंट P पे बोल रहे हो, तो मैं कह सकता हूं पहले पूरे को रो मानो, रो रो, तो इस वाले के कारण फील्ड कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी, कितना फैक्टर हो जाएगा? रो सी वन पी बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट, और फिर यहां पर फिर माइनस रो डाल दो पूरे में, इस वाले के कारण क्या करोगे?
माइनस रो डाल दिया तो यहाँ पर भी माइनस रो डाल दिया, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस रो पी से सी टू की तरफ बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट, तो ये फिर से क्या बन जाएगा, रो सी वन सी टू इनसाइड द कैविटी, रो सी वन सी टू बाय थ्री एप्सिलॉन, और इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस वेक्टर के अलोंग होनी चाहिए, तो अंदर यहां पर अंदर हर जगह यूनिफॉर्म होनी चाहिए ऐसे, बोलो हाँ। किस किस को चमका? यस सर, एक बार स्क्रॉल कर दीजिए। ओके हाँ भैया, अब हम पॉज नहीं करेंगे वरना कहेंगे कि सर तो एकदम से गॉट इट बोल देते हैं। गॉट इट, कैसा लग रहा है? सर एक बार ये नीचे वाला भी दिखा देना भाई। एक बार समझा दिया मतलब मैंने एक करा दिया, दो करा दिया, उसके बाद अब कुछ नया सिचुएशन वो क्रिएट करेगा ना, तो तुम्हें आइडिया हो जाना चाहिए कि कैसे करना होता है, हाँ या ना? और स्पेशली ये जनरल पॉइंट वाले होते हैं, इनके अंदर वेक्टर फॉर्म में करे बिना तुम इसको ऐड नहीं कर सकते। सबसे गंदा होता है इसमें जब मैग्नेटिज्म पे आता है, उसमें वेक्टर फॉर्म में ही नहीं लिख पाएंगे वो, अभी तुम्हें कुछ नहीं पता लेकिन बाद में पता चलेगा, वेक्टर फॉर्म में लिखने में जान जाती है। सर अगली क्लास में आप डाउट्स लोगे? हाँ अगली क्लास में डाउट्स लूंगा। गाइस कैसा लगा ये चैप्टर? नो कमेंट्स वाली बात हो गई है। हो गया भाई, क्या लिख रहे हो ऐसा, इतना तो हमने कराया भी नहीं। लो हो गया सर। गाइज एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन के रूप में ही करते हैं। मान लो अच्छा क्वेश्चन के रूप में भी नहीं तो ऐसे सोचते हैं, मान लो कोई दो चार्ज बॉडीज हैं, कोई दो चार्ज बॉडीज हैं, और इस बॉडी टू पे बॉडी वन के कारण फोर्स निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, बोलो। टू वाले पे नेट फोर्स निकालनी है तो तुम्हें इसको छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस में काटना पड़ेगा, नहीं काटना पड़ेगा? और यहां पर इस DQ1 पे इस पूरी बॉडी के कारण फील्ड निकालनी पड़ेगी और इस पे फोर्स हो जाएगा DQ1 E1, बोलो हाँ। अब मान लो इस पूरी बॉडी के कारण, लेफ्ट वाली पूरी बॉडी के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है E2, तो इस पे इधर DQ2 हो गया इस वाले का चार्ज, और इस पे फोर्स कितना हो जाएगा E2 into DQ2, और फिर तुम्हें इन सारे वेक्टर्स का सम करना पड़ेगा। गॉट इट और नॉट? बोलो हाँ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? दो चार्ज बॉडीज हैं, एक चार्ज बॉडी के कारण दूसरी चार्ज बॉडी में फोर्स निकालना है, क्या करेंगे? जिस पे फोर्स निकालना है उसको छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस में काट दो, और छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस पे इस वाली बॉडी के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज पे निकालो, उस पे फोर्स निकालो, दूसरे पॉइंट चार्ज पे इस वाले के कारण पूरी फील्ड निकालो, उस पे फोर्स निकालो, इस पूरी बॉडी के कारण तीसरे पॉइंट चार्ज पे फोर्स निकालो, और सारी फोर्सेस को वेक्टोरियली ऐड करेंगे। कैसे करेंगे? वेक्टोरियली ऐड करेंगे, बोलो हाँ। यस सर, यस सर। हाँ तो इस भावना को समझते हुए क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज करो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इस पे चार्ज पर यूनिट लेंथ ले लो लैम्डा वन, चार्ज पर यूनिट लेंथ ले लो लैम्डा वन, और ये वायर ले लो फाइनाइट, ये वायर ले लो फाइनाइट, इस पे चार्ज ले लो लैम्डा टू, इसका लेंथ ले लो एल, इस डिस्टेंस को ले लो आर। यार इस पे फोर्स ऑन टू निकालना है ड्यू टू वन, कैसे निकलेगा? इसमें तो आसान है मेरे ख्याल से, क्यों? इसको छोटे से चार्ज को लोगे तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? डी क्यू इंटू टू के लैम्डा बाय आर, ये भी इसी डायरेक्शन में होगा, ये भी इसी डायरेक्शन में होगा, ये भी इसी डायरेक्शन में होगा, सब जगह ई सेम नहीं होगा,
DQE, DQE, DQ1E, DQ2E, DQ3E, DQ4E. तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ सीधा सीधा इस पे फोर्थ कितना लगेगा राइट की तरफ, समेशन क्यू दैट इज हो जाएगा लैम्डा इनटू एल टू, ये तो चार्ज हो गया, इनटू टू के लैम्डा वन बाय आर, दैट्स योर फोर्स. बोलो हाँ, किस किस को समझ में आया है? नहीं आया समझ में? पक्का? हर जगह ई सेम था ना? यस सर. डी क्यू एन इनटू ई. अब जैसे सपोज करो इसी के अंदर मान लो वायर जो जो रॉड रखी थी फाइनाइट वाली वो ऐसे नहीं रखी, ये तो लैम्डा वन है इनफाइनाइटली लॉन्ग, और यहां पर ऐसे रख दिया, फिर ये लैम्डा टू है, ये लेंथ एल है और ये हमारा आर है. यार ऐसे तो मैंने क्वेश्चन पेपर में भी डाल दिए थे ऐसे क्वेश्चन, हाँ या ना, पहले ही डाल दिए थे. कर सकते हो ना ऐसे क्वेश्चन? कुछ नहीं करना, इस वाले में ई वेरिएबल नहीं आ जाएगा, एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स ले लो, डी एक्स लेंथ ले लो, इस पे छोटा सा फोर्स लगेगा डी एफ, डी एफ कितना हो जाएगा लैम्डा टू डी एक्स इंटू ई, ई हो जाएगा टू के लैम्डा वन बाय एक्स, हाँ या ना? नहीं समझ में आया? ये हो जाएगा चार्ज डी क्यू और ये हो जाएगा ई एक्सटर्नल इस डी एफ, डी क्यू इंटू ई एक्सटर्नल, और इसका इंटीग्रल कर दो, इसका इंटीग्रल कर दो, एक्स विल गो फ्रॉम आर से लेकर आर प्लस एल. आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग दिस, आई होप यू कैन डू दैट. 2k lambda 1 lambda 2 ln r plus l by r. Everybody got it? Yes sir. ये question 2 हो गया, ये question 2 हो गया. Everybody आगे बढ़े? Yes sir. या नहीं बढ़े? जैसे मान लो कह दिया, मान लो कह दिया सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है, इस पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. चलो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया, उसकी जगह कह दिया टोटल चार्जेस क्यू वन एंड दिस रेडियस इज सपोज से आर, और यहां पे पॉइंट चार्ज रख दिया क्यू टू. Find force on ring due to Q2. कैसे करेंगे guys? छोटे छोटे पार्ट पॉइंट चार्जेस में काट देंगे, थीटा पे डी थीटा ले लेंगे, इस पे डी एफ ऐसे लगेगा, डी एफ कितना हो जाएगा के क्यू टू बाई आर स्क्वेयर इंटू डी क्यू, और ये डी क्यू कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू आर डी थीटा. बोलो हाँ, ये डी क्यू है ना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी डायरेक्शन में होगी. किस किस को समझ में आया है? यस सर. डी एफ हो जाएगा के क्यू टू बाय आर स्क्वेयर इंटू लैम्डा, लैम्डा को चाहो तो लिख भी सकते हो, क्या लिख सकते हो लैम्डा को, क्यू वन बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा. डी एफ को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे क्या? नहीं नहीं, अलग अलग डायरेक्शन में, तो सिमेट्रिक एलिमेंट ले लेंगे, थीटा ले लिया, इस पे इधर डी एफ लगेगा, मैं कहूंगा एक्स कॉम्पोनेंट कट जाएंगे वाई कॉम्पोनेंट बचेंगे, तो एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा टू डी एफ कॉस थीटा का इंटीग्रल 0 से लेकर 90, दैट विल बी 2 डी एफ को लिख दिया के क्यू टू बाई आर स्क्वेयर इंटू क्यू वन बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा इंटू कॉस थीटा का इंटीग्रल 0 से लेकर
90. कॉस का इंटीग्रल साइन हो गया, साइन 90 माइनस साइन 0, 1 माइनस 0 हो गया. तो आंसर कितना आ गया, 2k q1 q2 बाय पाई आर स्क्वायर. डन एवरीबॉडी? यस यस सर. करना आ गया? यस. पूछा क्या था, फोर्स ऑन रिंग ड्यू टू q2 ऊपर की तरफ लग रही है. मैंने कहा न्यूटन था, उसने कहा था थर्ड लॉ होता है एक्शन रिएक्शन, इसे कहते हैं जबरदस्ती का पहाड़ उठाना. थोड़ा सा दिमाग हम उल्टा लगाते तो q2 पे फोर्स निकाल लेते q1 के कारण. हाँ या ना? मतलब जबरदस्ती इतना बड़ा सॉल्व किया हमने. हम ये कह सकते थे इससे बढ़िया कि ये जो रिंग थी आधी, ये q1 था, इसके कारण यहाँ पे फील्ड कितनी होती थी, के q1 बाय आर स्क्वायर साइन अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय अल्फा बाय 2. किस किस को ये फॉर्मूला याद है? याद है सर. अल्फा हो जाता था एंगल सबटेंडेड 180 हो गया, साइन 180 बाय 2 साइन 90 हो गया, तो ये आ जाएगा पाई बाय 2 और ये हो जाएगा 1, तो ये हो गया के q1 बाय पाई आर स्क्वायर इंटू 2. ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. यहाँ पे चार्ज रखा कितना, q2, तो इस पे फोर्स इधर लगेगा q2 इंटू ई, तो फोर्स लगेगा q2 इंटू ई. इसको मल्टीप्लाई कर दो q2 से, ये फोर्स हो जाना चाहिए. सेम हो गया. इसे कहते हैं जबरदस्ती कान घुमा के पकड़ रहे थे. हाउ इज दैट? हाँ भाई अरे किस किस को समझ में आया है? यस सर. पक्का? यस सर. श्योर? यस सर. आज आखिरी लेक्चर है, मुझे लग रहा है मैं फास्ट जा रहा हूं, थोड़ा स्लो हो जाऊं क्या? एक ही बोल रहा है यस यस, बाकी सब सो रहे हैं. आखिरी लेक्चर थोड़े से टफ हो जाते हैं, थोड़ा सा टफ हो जाता है. एवरीबॉडी गॉट इट? किसी को डाइपोल का याद आ रहा है? डाइपोल होता था ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और ये डाइपोल होता था. इसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे, याद आ रहा है? यहाँ पर ई हो जाता था कुछ, और यहाँ पर ई प्लस डेल्टा ई हो जाता था, और फिर मैं कहता था नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इस पे क्यू ई लगेगा, इस पे क्यू ई प्लस डेल्टा ई, तो क्यू डेल्टा ई लगेगा. हाँ या ना? एफ नेट, उसको डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो क्यू डेल्टा एक्स बेसिकली हो जाएगा पी डेल ई बाई डेल एक्स. कुछ ऐसे याद आ रहा है? हाँ या ना? मतलब मैंने कहा था पॉइंट चार्ज है, आर डिस्टेंस पे डाइपोल रखा था, और मैंने कहा था कि यहाँ पर पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड कितनी होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर. तो डी ई बाय डी आर कितना हो जाएगा, डी ई बाय डी आर हो जाएगा माइनस टू के क्यू बाय आर क्यूब. चलेगा? इसको पी से मल्टीप्लाई कर दें, इसको पी से मल्टीप्लाई कर दें, तो फोर्स आ जाएगा ऑन डाइपोल ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्यू. और मैंने ये भी कहा था कि ये नेगेटिव साइन क्या डिनोट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगी. बोलो हाँ. तो अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही थी, 2kqp बाय आर क्यूब. ये तो एक तरीका हो गया करने का. और फिर मैंने कहा कि भैया न्यूटन था, उसने कहा था न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन, ये डाइपोल है, इसके कारण यहाँ पे फील्ड कितनी होती है 2kp बाय आर क्यूब. तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, q इंटू ई, ये फोर्स लगेगा. तो इसका मतलब उस डाइपोल ने इस पॉइंट चार्ज पे फोर्स इतना लगाया,
तो इस पॉइंट चार्ज ने डाइपोल पे उतना ही तो लगाया होगा, एक्शन रिएक्शन सेम आ रहा है? हाँ सर। ऐसे कराया था, नहीं कराया था पिछली बार एक्शन रिएक्शन से? नहीं कराया था? नो नहीं सर। हाँ तो क्या एक्शन रिएक्शन वैलिड नहीं था क्या? हाँ सर। There are multiple ways of thinking about the same thing, यार किसने काम की मतलब जैसे मैंने कराया था वैसे ही करना था। How's that guys? अच्छे सोचने क्या हो क्या रहा है? अरे हुआ या नहीं हुआ ये बता दो। ओके आगे बढ़े। बेसिकली इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स होते हैं डायलेक्ट्रिक। ऐसा हो गया मान लो जैसे कोई इंसुलेटर है, कोई इंसुलेटर है और इंसुलेटर के अंदर मान लो पोलर डायलेक्ट्रिक है। कैसा है गाइस? पोलर डायलेक्ट्रिक है। पोलर डायलेक्ट्रिक का मतलब ये है कि इसके अंदर डाइपोल है, इसके अंदर डाइपोल है, वो रेंडमली अरेंज होंगे, रेंडमली अरेंज होंगे। समझ में आ रही है बात? रेंडमली अरेंज होंगे। ठीक है, रेंडमली। और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद आ रहा है? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने के बोला था लेक्चर के चैप्टर के बिल्कुल शुरुआत में, और मैंने कहा था K is just a fancy name for epsilon r. Everybody? Yes, sir. इस पे भी आता हूँ, तुम्हारा था रीकैप कराना पड़ेगा लग रहा है। तुम लोग ना मतलब बिल्कुल ऐसे शांत हो गए, तुम लोग डर गए लग रहा है क्या क्या हो गया। मैंने ये बताया था कि पॉइंट चार्ज है, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 1/4πε0Q/r2 के क्यू बाई आर स्क्वायर बोलते थे जिसे, हाँ या ना? लेकिन मैं के वर्ड यूज नहीं करना चाहता क्योंकि के कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। इसको 1/4πε0 लिखना ठीक है कि नहीं है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी और मैंने कहा था ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब होती है? जब ये वैक्यूम या एयर में होता है। ये डिस्टेंस आर हो गया। और फिर मैंने ये भी कहा था अगर किसी मीडियम में रख दें, अगर किसी मीडियम में रख दें ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1/4πε0εr³/r² हो जाती है। ये याद आ रहा है? या ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर हो जाती है दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। एग्रीड? कम हो जाएगी, हाँ या ना? और फिर मैंने कहा था इसको ऐसे भी लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर डिवाइडेड बाय डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल देते हैं इसे, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। एग्रीड? जो ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी है। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसी को रिलेटिव परमिटिविटी का ही नया नाम है। और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मैंने कहा था कितनी होती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है, ये रटवाया था मैंने। इसका मतलब हमारा 1 किसके लिए हो गई? एयर के लिए, और बाकी सबके लिए क्या हो गई? ग्रेटर देन 1 हो गई। तो इसका मतलब मैक्सिमम फील्ड कब होती है? एयर में होती है, बाकी सब में कमी हो जाएगी। बोलो हाँ, मीडियम में फील्ड क्या हो जाएगी? एयर डिवाइडेड बाय के हो जाएगी, तो इसका मतलब कम हो जाएगी। यार पढ़ाने के स्टाइल में कुछ एक अजीब सी चीज लग रही है तुम्हें? यार जहां से शुरू हुए वहीं पे अंत कर रहे हैं हम। वी स्टार्टेड द डैम चैप्टर विद दिस पर्टिकुलर थिंग, इफ यू रिमेंबर दिस, जब कूलम लॉ बता रहा था के Q1 Q2 r² होता है फोर्स, मीडियम में रख दे तो फोर्स क्या हो जाएगा? एयर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, हाँ या ना? वी स्टार्टेड द चैप्टर विद दिस थिंग और नॉट?
यस सर तो सॉर्ट ऑफ आई एम एंडिंग द चैप्टर विद दिस थिंग ये तो ऐसे हो गया जैसे आईआईटी में ना एक कुछ ह्यूमैनिटीज के कोर्स करने पड़ते हैं और मैंने गलती से एक कोर्स ले लिया था फिलोसफी का फिलोसफी और 4 महीने 5 महीने के कोर्स के बाद ना जहां पर पहला लेक्चर चल रहा था पहले लेक्चर में ट्रुथ एंड बिलीफ के ऊपर कहानी चालू हुई फिर पूरा का पूरा चक्कर लगता रहा कि ट्रुथ बिलीफ क्या होता है ट्रुथ बिलीफ क्या होता है और हाउ डू यू क्वांटिफाई वेदर इट्स अ ट्रुथ और अ बिलीफ और पूरा कुछ कुछ उसके ऊपर कोरोलरीज बनाते गए और फिर जहां पर एंड किया ना चैप्टर वो वहीं से चालू किया जहां से शुरू हुआ था तो एंड में मुझे ऐसा लगा कि दैट कोर्स वाज अ वेस्ट ऑफ माय टाइम हाँ या ना तो सॉर्ट ऑफ घूम फिर के सर्कल में घूम के हम वापस वहीं पे पहुंच रहे हैं जहां से हम स्टार्ट हुए थे मैंने कहा था ऐसा होता है कम हो जाती है फील्ड हाँ या ना ये नहीं बताया था क्यों अब बात समझ में आई है नहीं आई है नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द रीजन व्हाई गॉट इट नहीं समझ में आ रहा अब समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं एवरीबॉडी नाउ आई एम गोइंग टू गिव अ रीजन व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मीडियम बिकम्स लेस देन व्हाट इट वाज इन द वैक्यूम गॉट इट दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शो व्हाई दिस बिकम्स लेस हाँ या ना तो दिस मीडियम जिस मीडियम में इसे रखा गया है ये मीडियम टेक्निकली क्या चीज है ये मीडियम टेक्निकली क्या चीज है ये मीडियम टेक्निकली एक इंसुलेटर है हाँ या ना इस इंसुलेटर का कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है गॉट इट अब इंसुलेटर दो तरह के होते हैं पोलर इंसुलेटर्स एंड नॉन पोलर इंसुलेटर्स ओके तो ये कह लो कि इंसुलेटर बोल लो या डाइलेक्ट्रिक बोल लो वो दो तरह के होते हैं कितने तरह के होते हैं टू टाइप्स के होते हैं पोलर एंड नॉन पोलर ओके मैं पोलर वाले के बारे में समझा रहा हूं पहले व्हाट इज अ पोलर डाइलेक्ट्रिक पोलर डाइलेक्ट्रिक ऐसा होता है जिसके अंदर डाइपोल्स होते हैं जिसके अंदर डाइपोल्स होते हैं डाइपोल्स तो हैं लेकिन वो रेंडमली अलाइंड है क्या होंगे वो रेंडमली अलाइंड होंगे किस किस को ये समझ में आया रेंडमली अलाइंड होंगे मतलब रेंडम होंगे अलाइंड होंगे ही नहीं वो रेंडमली अलाइंड वर्ड क्या हो गया रेंडमली बैठे होंगे तो इसका मतलब अगर मैंने एक इंसुलेटर लिया स्टोरी अब यहां से चालू हुई कि हमारे पास रेंडमली डाइपोल्स थे इसके अंदर रेंडमली डाइपोल्स थे प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस कुछ भी रेंडमली इसको मैंने एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया इसको मैंने एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया ई एक्सटर्नल में रख दिया उसको मान लो ई नॉट बेटा इससे क्या होगा ये बता दो इससे इनके ऊपर टॉर्क लगेगी सारे घूम जाएंगे कैसे घूमेंगे डाइपोल घूमेंगे कैसे घूमेंगे डाइपोल मूवमेंट ई एक्सटर्नल के साथ अलाइन कर देगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में चले जाएंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम में चले जाएंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम में जाएंगे तो कैसा हो जाएगा प्लस ऐसे माइनस ऐसे प्लस ऐसे माइनस ऐसे प्लस ऐसे माइनस ऐसे प्लस ऐसे माइनस ऐसे गॉट इट और नॉट ऐसे पी पी वेक्टर अलाइन हो जाएगा ना किस किस को ये समझ में आया है yes, पक्का यस सर श्योर यस सर तो अगर ये ऐसे अलाइन हो गया अगर ये ऐसे अलाइन हो गया तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर तुमने डाइलेक्ट्रिक को फील्ड में रखा तुमने डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो यहां पर डाइपोल ऐसे अलाइन हो गए प्लस माइनस हाँ या ना मैं कह सकता हूं कि इसके ऊपर टेक्निकली कुछ कुछ इंड्यूस चार्ज आ गया ओवरऑल और कुछ इंड्यूस चार्ज आ गया इधर इंसुलेटर पे भी
इस इंड्यूस चार्ज के कारण, क्योंकि बीच वाला तो कट गया, इस इंड्यूस चार्ज के कारण क्या मैं कह सकता हूं कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन में क्रिएट हो जाएगी, हाँ या ना? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कैसे बनेगी, अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी? E एक्सटर्नल माइनस E इंड्यूस इज E नेट, हाँ या ना? किस किस को समझ में आ रहा है? और मैंने रटवाया था कि भैया कितनी हो जानी चाहिए ये, E एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय K हो जानी चाहिए, किस किस को ये समझ में आया? यही तो कह रहे थे कि कोई पॉइंट चार्ज अगर रखते हैं तो नई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, E एयर बाय K हो जाएगी, हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? ये E नेट कितना हो जाना चाहिए, E नेट हो जाना चाहिए E एक्सटर्नल बाय K, गॉट इट? तो अब समझ में आया कि ये क्यों इंसुलेटर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि कुछ उसके अंदर चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं, जो एक्स्ट्रा जिस जो चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे उन वो डाइपोल्स के अरेंजमेंट के कारण हो गए, और उनके कारण जो चार्जेस इंड्यूस होंगे उनके कारण एक उल्टी फील्ड बन जाएगी, और वो उल्टी फील्ड कितनी बन जाएगी, सो दैट कि नेट फील्ड ई बाय के हो जाए, बोलो हाँ, यही तो कह रहे हैं, सो दैट नेट फील्ड ई बाय के हो जाए, गॉट इट और नॉट? यस सर, यस सर, पक्का? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ई इंड्यूस कितना हो जाएगा, E एक्सटर्नल 1 माइनस 1 बाय के, कई बार वो इंड्यूस पूछ लेते हैं, हाँ या ना? अब तुम कहोगे यार ये चीज तो हमने कंडक्टर में बोली थी, मैंने कहा इंसुलेटर में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल को काटेगी, लेकिन इतना अच्छे से नहीं काटेगी जितना कंडक्टर में काटेगी, कंडक्टर में तो इतनी अच्छे से काटेगी पूरी की पूरी जीरो कर देगी, बोलो हाँ या ना? किस किस को समझ में आ रहा है? कि कंडक्टर में भी यही कहानी हुई थी, द ओनली थिंग इज कंडक्टर में, कंडक्टर में ई नेट कितना हो जाना चाहिए, जीरो, या ये कहो कंडक्टर के लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होना चाहिए, इंफिनिटी, किस किस को समझ में आ रहा है? यस सर, कैपेसिटर्स में मैं ये चीज यूज करूंगा कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कंडक्टर क्या होता है, इंफिनिटी, गॉट इट और नॉट? यस सर, समझे कि नहीं समझे? तो हमेशा कोई भी इंसुलेटर ले लो, हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर कुछ चार्जेस इंड्यूस होंगे और अंदर एक तरीके से डाइपोल बन गया, वो डाइपोल अलाइन करेंगे, अलाइन के कारण चार्जेस इंड्यूस आ जाएंगे, ओवरऑल अपोजिट ऐसे आएंगे कि जो उनके कारण फील्ड बने वो एक्सटर्नल को अंदर काटेगा, और वो काट के कितना कर देगा, नेट डिवाइडेड बाय के टाइम्स कर देगा, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, ई एक्सटर्नल 1 माइनस 1 बाय के, गॉट इट और नॉट एवरीबॉडी? हाँ या ना में जवाब दो, वही समझ में आ गया? अब बच्चे ये कह सकते हैं सर दैट वाज द स्टोरी इफ द इंसुलेटर हैड डाइपोल्स, दैट वाज द स्टोरी इफ इंसुलेटर हैड डाइपोल्स, बिकॉज द डाइपोल्स विल रोटेट एंड अलाइन विद इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल प्रोड्यूस उल्टा ई इंड्यूस, हाँ या ना? But what if it was a non-polar dielectric? What if there was, it was a non-polar dielectric? उसमें dipole moment नहीं है, dipoles randomly aligned नहीं है। मैंने कहा हर एक insulator में nucleus तो होगा, electron तो होगा, nucleus पे positive charge होगा, electron पे negative charge होगा। इसको अगर मैं किसी electric field में रखूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस पे फोर्स इधर लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा, तो क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, गॉट इट और नॉट? यस सर, दिस हैज बिकम लाइक अ डाइपोल, हाउज दैट? तो दिस थिंग विल बी शोन बाई नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक ऑल्सो, बिकॉज उसके अंदर भी सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पोलर डायलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करेगा, गॉट इट? यस सर, ठीक है, ये मैंने जानबूझ के एंड के लिए रखा था, मैंने कहा भाई क्योंकि उसको करना तो पोलर की तरह ही है, एंड में बस बता देंगे कि यार देखो ऐसा है, उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो जाएगा फील्ड में रखने के कारण कि वो डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, हाँ या ना?
So this thing will be shown by non-polar dielectric also. Got it, guys? Yes, sir.